गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेस, एक्सेसिंग इंटरफेस एंड एक्सटेंडिंग इंटरफेस के बारे में, ठीक है। मतलब नेक्स्ट टॉपिक हमारा चैप्टर 3 का, दैट इज़ इंटरफेस। तो सबसे पहले देखते हैं, यह है कंसेप्ट मैप। यहाँ पे हमारे पास है इंटरफेस एंड हम इंटरफेस के बारे में 2 टर्म्स पढ़ने वाले हैं। सो उसको कैसे एक्सेस करेंगे एंड उसको कैसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो इंटरफेस एंड इज़ अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड इट इज़ डिफाइंड मच लाइक अ क्लास। मतलब क्या है कि इंटरफेस इज सेम लाइक अ क्लास ही होता है एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। सो मतलब इंटरफेस में मेथड्स जो रहेगी वो कौन सी होगी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नॉर्मल मेथड्स नहीं। राइटिंग एंड इंटरफेस इज सिमिलर टू द क्लास विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड फाइनल फील्ड्स, ठीक है। मतलब हम इसके जो सिंटैक्स है फॉर अ राइटिंग, ये सेम है एज लाइक अ क्लास एंड इट इज़ हैव अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड फाइनल फील्ड। मतलब जो भी वेरिएबल्स होंगे वो फाइनल रहेंगे एंड जो मेथड्स होंगी वो एब्स्ट्रैक्ट रहेगी। दिस मेथड दैट इंटरफेस दिस मीन्स इंटरफेस डू नॉट स्पेसिफाई एनी कोड टू इम्प्लीमेंट दोज मेथड्स एंड डेटा फील्ड्स कंटेनिंग ओनली कॉन्स्टेंट। इसका मीनिंग क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो भी होती है, तब एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम उसी क्लास में या फिर उसी इंटरफेस में उसकी डेफिनेशन नहीं लिखते, है ना। तो हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जो डेफिनेशन है वो हम डिराइव क्लास में लिखेंगे, जो क्लास उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद है डेटा फील्ड, जो कि फाइनल रहेगी, तो वो क्या रहती है, हमेशा कॉन्स्टेंट वैल्यू ही कैरी करेगा, ठीक है। उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। सो इंटरफेस के अंदर क्या होता है, इट इज़ सेम लाइक अ क्लास बट इट हैविंग अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड फाइनल फील्ड और फाइनल वेरिएबल्स। इंटरफेसेस कैनॉट बी इंस्टेंशिएटेड, दे कैन बी ओनली इम्प्लीमेंटेड बाय द क्लासेस और एक्सटेंडेड बाय अदर इंटरफेस। इट मीन्स इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। हम उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनटू द क्लासेस। मतलब जैसे हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं ना, सुपर क्लास का डिराइव क्लास बनाना, उसी तरह से हम हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर हमें क्लास के अंदर करना है तो। एंड अगर हम इंटरफेस को इंटरफेस के अंदर ही यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड, ठीक है। मतलब अगर सेम ही है तो हम उसको एक्सटेंड करेंगे, अगर डिफरेंट है इंटरफेस एंड क्लास है तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरफेसेस आर डिज़ाइन टू सपोर्ट डायनामिक एंड डायनामिक मेथड रिजोल्यूशन एट रन टाइम, ठीक है। सो ये डायनामिक मेथड रिजोल्यूशन को रन टाइम पे सपोर्ट करता है। अब देखो इंटरफेस का एक एग्जांपल और सिंटैक्स देते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ इंटरफेस इज एक्सेस इंटरफेस इंटरफेस नेम, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म कैसा है, सो हमारे पास सबसे पहले रहेगा इंटरफेस कीवर्ड ये, एंड उसके बाद इंटरफेस नेम। जैसे हम क्लास बनाते हैं तो क्लास के लिए हमारे पास क्या होता है, क्लास कीवर्ड एंड क्लास नेम, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरफेस कीवर्ड एंड इंटरफेस नेम, तो ये जो इंटरफेस नेम है ये हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस एंड उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड मेथड डिक्लेरेशन, ठीक है। सो सिर्फ हम डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे, ओके। सो मेथड्स कौन से रहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट एंड वेरिएबल्स कौन से रहेंगे, फाइनल, ठीक है। सो दिस वन इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ इंटरफेस। अब देखो एक्सेस इज आइदर पब्लिक और नॉट यूज्ड व्हेन नो एक्सेस स्पेसिफायर इज इंक्लूडेड, देन डिफॉल्ट एक्सेस रिजल्ट एंड इंटरफेस इज ओनली अवेलेबल टू अदर मेंबर्स ऑफ द पैकेज इन विच इट इज डिक्लेयर, ठीक है। एक्सेस अगर पब्लिक है तो हम इसको इजीली कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, सो हमने इंटरफेस का नाम लिया है IF4IA, ठीक है। सो देखो एक्सेस स्पेसिफायर हमने पब्लिक यूज़ किया, उसके बाद इंटरफेस कीवर्ड, उसके बाद इंटरफेस का नाम एंड ओपनिंग ब्रेसेस, उसके अंदर हमने क्या किया, एक लेक्चर नाम का वेरिएबल लिया है विच इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड इट्स वैल्यू इज JPR। उसके बाद हमने बेंचेस नाम का एक इंटीजर वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू है 35 एंड एक मेथड डिक्लेयर की, दैट इज़ डिस्प्ले मेथड, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स हैं एंड जो भी
वेरिएबल्स है वो फाइनल होते हैं एंड मेथड्स क्या होती है एब्स्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, अब देखो इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस, मतलब इंटरफेस को हम क्लास के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, टू डिक्लेयर अ क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस यू नीड टू इंक्लूड इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। अगर हमें किसी क्लास के अंदर इंटरफेस का यूज़ करना है, मतलब हमें इंटरफेस को एज अ सुपर क्लास यूज़ करना है, तो हमारे पास कीवर्ड होना चाहिए दैट इज़ इम्प्लीमेंट। मतलब हम इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज़ करके ये कर सकते हैं। ठीक है, ए क्लास कैन ओनली इनहेरिट फ्रॉम वन सुपर क्लास, हाउएवर अ क्लास मेनी इम्प्लीमेंट सेवरल इंटरफेसेस। ठीक है, मतलब क्या है, ए क्लास कैन ओनली इनहेरिट फ्रॉम वन सुपर क्लास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस का इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सो मतलब क्या है कि हम टू और मोर क्लासेस का यूज़ करके एक क्लास नहीं बना सकते, इस कंसेप्ट को जावा सपोर्ट नहीं करती। तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टी लेवल इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं, बट मल्टीपल नहीं। मल्टीपल मतलब क्लास ए क्लास बी एंड इन दोनों का बना के अगर हम क्लास सी बनाएं तो ये जावा में सपोर्ट नहीं करता, इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये जावा में सपोर्ट नहीं करता, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ करने के लिए जावा में एक नया कंसेप्ट लाया गया दैट इज़ इंटरफेस। ठीक है, सो हम मल्टीपल क्लासेस का तो यूज़ नहीं कर सकते, बट हम मल्टीपल इंटरफेस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग इंटरफेस हम मल्टीपल क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इन जावा। ठीक है, अब देखो वो हम कैसे करेंगे। एक योर क्लास कैन इम्प्लीमेंट कीवर्ड इज़ फॉलोड एज कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ इंटरफेस इम्प्लीमेंटेड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स देखो, यहाँ पे हमारे पास एक क्लास कीवर्ड, उसके बाद हम क्लास नेम लिखेंगे, उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लिखा है। सी, ये क्लास कीवर्ड है, उसके बाद हमने क्लास नेम लिखा, फिर इम्प्लीमेंट कीवर्ड है एंड इंटरफेस मतलब इंटरफेस नेम। ठीक है, एंड इसके अंदर हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस के अंदर उसकी बॉडी लिखेंगे। ये एक टाइप है, या फिर अदर है क्लास क्लास नेम एक्सटेंड्स कीवर्ड अगेन क्लास नेम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड इंटरफेस। अगर हमें नंबर ऑफ इंटरफेस लेने तो इंटरफेस वन कॉमा इंटरफेस टू कॉमा इंटरफेस थ्री कॉमा इंटरफेस फोर इस तरह से भी हम ले सकते हैं। ठीक है, बट अगर हमें इंटरफेस लेने हैं तो हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, अगर हमें क्लास लेना है तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्लास को अगर हमें इनहेरिट करना है तो हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमें इंटरफेस को इम्प्लीमेंट एक्सेस करना है तो डिराइव करना है तो हमें इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अब देखो एग्जांपल, यहाँ पे हमने इंटरफेस बनाया है हैविंग द नेम शेप। ठीक है, उसका नाम क्या है, शेप। अब उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग लिया, मतलब एक वेरिएबल लिया एंड एक मेथड ली दैट इज़ ड्रॉ मेथड। ठीक है, इंटरफेस के अंदर ये हो गया हमारा इंटरफेस ख़त्म। अब देखो उसके बाद हमने एक क्लास बनाया है यहाँ पे हैविंग नेम सर्कल, उसका नाम क्या है, सर्कल। अब मुझे क्या करना है, ये सर्कल के सर्कल क्लास के अंदर मुझे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है, एक्सेस करना है, मतलब इंटरफेस की जो ये ड्रॉ प्रॉपर्टी है या फिर ये स्ट्रिंग है इसको मुझे एक्सेस करना है इनटू माय क्लास दैट इज़ सर्कल क्लास। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये तो इंटरफेस है और ये मेरा क्लास है सर्कल, तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी अगर मुझे यूज़ करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा किसको, इस इंटरफेस को, इसका नाम क्या है, शेप। सो इसलिए हमने क्या लिखा, इम्प्लीमेंट्स शेप, क्लास सर्कल इम्प्लीमेंट्स शेप, मतलब हमारा जो क्लास है वो अब इस शेप इंटरफेस की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे हमने इंटरफेस शेप की जो मेथड है ड्रॉ उसको हमने यूज़ किया है यहाँ पे सी। ठीक है, एंड उसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट किया दैट इज सर्कल ड्रॉन हेयर। ठीक है, सो ये हमने नॉर्मल एक स्टेटमेंट प्रिंट किया सर्कल ड्रॉन हेयर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक जनरल एक क्लास बनाया, उसके अंदर हमें प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है किसकी, शेप इंटरफेस की, तो इसीलिए हमने उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, सो इम्प्लीमेंट्स शेप
एंड उसके अंदर हमने जो ड्रॉ मेथड है इंटरफेस की, ये मेथड, उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरह से हम इंटरफेस की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं इनटू अनदर क्लास, ठीक है। अब देखो, सॉरी, एक्सेसिंग इंटरफेस देखो, इंटरफेस वेरिएबल एंड मेथड। सो इंटरफेस के वेरिएबल एंड मेथड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम इनटू द क्लास। सो एंड इंटरफेस कैन यूज टू डिक्लेयर सेट ऑफ कॉन्स्टेंट दैट कैन बी यूज इन डिफरेंट क्लासेस। क्योंकि इंटरफेस के सारे वेरिएबल्स कैसे होते हैं, फाइनल होते हैं, मतलब वो कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ सिमिलर टू क्रिएटिंग हेडर फाइल्स इन C++ टू कंटेन लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट। सच इंटरफेस डज नॉट कंटेन मेथड्स, देर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इम्प्लीमेंटिंग मेथड्स, ऑल वेरिएबल्स डिक्लेयर इन इंटरफेस मस्ट बी कॉन्स्टेंट। ये तो ठीक है, इंटरफेस के सारे वेरिएबल कॉन्स्टेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं किसी इंटरफेस का, अगर हमारे पास वेरिएबल है तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सी हियर, हमारे पास यहाँ पे हमने एक इंटरफेस बनाया है इंटरफेस 1, एंड उसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है इंट x इक्वल्स टू 12। उसके बाद हमने इंटरफेस 2 बनाया है, उसके अंदर हमने एक y वेरिएबल लिया y इक्वल्स टू 10 एंड डिस्प्ले मेथड, ठीक है। तो ये जो y है ये फाइनल रहेगा, और ये x है ये भी फाइनल रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास दो इंटरफेस अवेलेबल है, इंटरफेस 1 एंड इंटरफेस 2। अब देखो, इसके बाद हमने एक क्लास बनाया डेमो, इम्प्लीमेंट्स किया 1 एंड 2, मतलब इंटरफेस 1 एंड इंटरफेस 2, इन दोनों को भी हमने इम्प्लीमेंट किया हमारे क्लास के अंदर। हमारे क्लास का नाम क्या है, डेमो। अब देखो, अब यहाँ पे हमने a इक्वल्स टू एक्स एंड b इक्वल्स टू वाई, मतलब ये जो वैल्यू है ना x एंड y की, इसको हमने यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया हमारे क्लास के अंदर। एंड उसके बाद हमने जो डिस्प्ले मेथड है ये, इसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, उसकी डेफिनेशन दी, उसके डेफिनेशन के अंदर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट किया 1, 2 एंड 3। ये तीन स्टेटमेंट हमने प्रिंट किया, यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट x एंड y की वैल्यूज प्रिंट की है नॉर्मली, ओके। x इन इंटरफेस 1, उसके बाद y इन इंटरफेस 2, एंड हम इन दोनों की एडिशन, ठीक है। सो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट किए डिस्प्ले फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेमो क्लास का, डेमो क्लास की, क्लास के अंदर हमने इंटरफेस की मेथड एंड इंटरफेस के वेरिएबल हमने यहाँ पे एक्सेस किए हैं। उसके बाद हमारे क्लास में हमने एक मेथड बनाई है डिस्प्ले नाम की, ओके, अगेन डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ पे देखो DISP है, एंड यहाँ पे डिस्प्ले पूरा लिखा है। तो ये डिस्प्ले मेथड किसकी है, इंटरफेस की, और ये डिस्प्ले मेथड हमारे क्लास के डिस्प्ले मेथड है। उसके अंदर हमने ए एंड बी की वैल्यू प्रिंट की, जो कि हमने ए की वैल्यू रखी थी एक्स की वैल्यू, एंड वाई की वैल्यू रखी थी बी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कर दिया। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्लास इंट। फिर हमने एक नया क्लास बनाया है मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस नाम का, मल्टीपल इंटरफेस नाम का। तो उसके अंदर हमने मेन मेथड बनाई, और फिर हमारा जो क्लास था डेमो क्लास, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया था, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है डी डेमो क्लास का। एंड फिर हमने किया है डी डॉट डिस्प्ले, जो कि है किसकी मेथड है, इंटरफेस की मेथड है, बट यहाँ पे हमने लिखी है क्लास के अंदर, हमने उसको डिफाइन किया है, तब यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने डी डॉट डिस्प्ले किया है, तो डिस्प्ले मेथड किसकी है, हमारी क्लास की डेमो क्लास की मेथड है। सो दोनों भी मेथड को यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, हमने हमारे सब क्लास का या फिर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटरफेस के वेरिएबल्स एंड इंटरफेस के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं इनटू द डिराइव्ड क्लास। उसके बाद देखो, एक्सटेंडिंग इंटरफेस क्या होता है। सो एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनादर इंटरफेस सिमिलरली टू द वे दैट क्लास कैन एक्सटेंड अनादर क्लास। जैसे हम एक क्लास, मतलब सब क्लास के अंदर सुपर क्लास को एक्सटेंड करते हैं, उसी तरह से एक इंटरफेस के अंदर हम दूसरा इंटरफेस भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब एक इंटरफेस के अंदर हम दूसरे इंटरफेस की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। द एक्सटेंड कीवर्ड इज़ यूज टू एक्सटेंड एन इंटरफेस। तो इसके लिए हमारे पास कीवर्ड क्या है, एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास टू इंटरफेस हैं। सिंटैक्स में देखो, इंटरफेस क्लास 2 एक्सटेंड्स क्लास 1, मतलब ये दोनों भी इंटरफेस हैं, ठीक है, क्लास 1 क्लास 2।
इस अगर दोनों भी सेम है, मतलब इंटरफेस इंटरफेस है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? एक्सटेंड कीवर्ड। अगर क्लास इंटरफेस है तो हम क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। फिर हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखो, एक ए नाम का इंटरफेस बनाया, उसके अंदर हमने शो मेथड बनाई, एंड हमने अगेन एक बी नाम का इंटरफेस बनाया, एक्सटेंड किया ए को, मतलब इस इंटरफेस को हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। उसके अंदर हमने डिस्प्ले नाम की मेथड बनाई। फिर हमने क्या किया, एक क्लास बनाया सी। ये तो यहाँ पे हमारे दोनों इंटरफेस हो गए। ठीक है, ये इंटरफेस ए, इंटरफेस बी हमने बनाया। ठीक है, फिर हमने बी को बनाया एक्सटेंड ए, मतलब बी क्या कर सकता है? ए के भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है। उसके बाद हमने एक सी क्लास में इम्प्लीमेंट किया बी को, मतलब इंटरफेस बी को, एंड उसकी जो मेथड है दैट इज़ शो मेथड ऑफ इंटरफेस ए, और उसके अंदर हमने प्रिंट किया, हम क्या कर रहे हैं, कॉलिंग इंटरफेस ए को, मतलब इम्प्लीमेंट किसको किया? इंटरफेस बी को, बट हम मेथड कौन से एक्सेस कर रहे हैं? इंटरफेस ए की। हम इस मतलब ऐसा किस तरह से कर सकते हैं? क्योंकि हमने इंटरफेस बी के अंदर इंटरफेस ए को एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, मतलब हम बी के अंदर ए की प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं। तो हम अगर हमने बी को यहाँ पे एक्सटेंड किया है क्लास के अंदर, मतलब हम बी की प्रॉपर्टीज इस क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, एंड इनडायरेक्टली हम क्लास ए सॉरी इंटरफेस ए की भी प्रॉपर्टीज हम हमारे क्लास में यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पे होता है मल्टीपल इंटरफेस का अगर हमें एक्सेस करने हैं तो। फिर हमने क्लास के अंदर अगेन एक मेथड बनाई है डिस्प्ले, एंड वहाँ पे हमने कॉलिंग इंटरफेस बी प्रिंट किया, क्योंकि ये डिस्प्ले मेथड किसकी है? इंटरफेस बी की। तो इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी, एंड शो की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी कौन सी मेथड है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर हम इंटरफेस का यूज़ कर रहे हैं हमारे क्लास में, तो हमें इन मेथड्स को डिफाइन करना पड़ता है, हमारे क्लास के डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, सो इट इज़ कंपलसरी। एंड उसके बाद हमने एक हमारे क्लास की डिस्प्ले मेथड बनाई है, और वहाँ पे हमने क्लास सी, मतलब हमने हर एक डिस्प्ले मेथड में बताया है कि वो कौन से इंटरफेस का है या फिर कौन से क्लास का है। तो तीनों मेथड में हमने शो मेथड किसकी है? इंटरफेस ए की। उसके बाद डिस्प्ले मेथड है इंटरफेस बी की, और उसके बाद जो डीआईएसपी मेथड है वो है क्लास सी की मेथड। उसी तरह से हमने वहाँ पे भी स्टेटमेंट प्रिंट किए हैं। फिर हमने एक नया क्लास बनाया क्लास डी, एंड उसके अंदर हमने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ऑब्जेक्ट नाम का, एंड ऑब्जेक्ट डॉट शो, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, एंड ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, मतलब उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हमने सारी मेथड को वहाँ पे कॉल किया है। ठीक है, सो इस तरह से हमने इम्प्लीमेंट एक्सटेंड किया है इंटरफेस, मतलब दो इंटरफेस को एक्सटेंड किया है। ठीक है, सो इस तरह से होता है। उसके बाद है मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेस, मतलब इंटरफेस का यूज़ करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे अचीव कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बोला है कि हम जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए हमें इंटरफेस का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ता है। सो देखते हैं कि इंटरफेस का यूज़ करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस किस तरह से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो उसमें इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरफेस वेयर अ डिराइव्ड क्लास मे हैव मोर देन वन पेरेंट क्लास। ठीक है, तो ये तो आपको कंसेप्ट पता है ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है कि जो डिराइव क्लास है उसको मोर देन वन पेरेंट क्लास होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ जावा, जावा में ये पॉसिबल नहीं है कि टू पेरेंट क्लास हो एंड वन डिराइव क्लास हो। ठीक है, सो इंटरफेस इज सिमिलर टू क्लासेस बट कैन कंटेन फाइनल वेरिएबल एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, सो इंटरफेसेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू डिराइव क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेस का यूज़ करके मल्टीपल इनहेरिटेंस हम अचीव कर सकते हैं। तो देखो एग्जांपल, हमने एक इंटरफेस लिया है स्पोर्ट्स नाम का, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल एंड एक मेथड ली। उसके बाद हमने क्लास लिया टेस्ट, उसके अंदर हमने तीन वेरिएबल एंड एक कंस्ट्रक्टर लिया। फिर हमने यहाँ पे अगेन एक क्लास लिया है रिजल्ट, ठीक है, ये रिजल्ट का क्लास, उसके अंदर हमने एक्सटेंड किया किसको, इस टेस्ट नाम के क्लास को, एंड इम्प्लीमेंट किया इस इंटरफेस को। सो क्लास को एक्सटेंड करते हैं एंड इंटरफेस को क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट। ठीक है, सो नए क्लास के अंदर हमने क्लास भी एक यूज़ किया एज अ बेस क्लास, एंड एक इंटरफेस भी यूज़ किया एज अ बेस क्लास। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब एक क्लास है टेस्ट एंड स्पोर्ट, ये क्या है, इंटरफेस, इन दोनों का यूज़ करके हमने एक नया क्लास बनाया है दैट इज रिजल्ट।
तो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का देखो कंसेप्ट, मतलब हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसके बाद हमने क्या किया, सुपर कीवर्ड का यूज़ करके सॉरी रिजल्ट क्लास का सबसे पहले हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर सुपर कीवर्ड का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज एक्सेस करेंगे इस कंस्ट्रक्टर को, ठीक है, इस सुपर कीवर्ड का यूज़ करके। फिर हमने डिस्प्ले मेथड बनाए, उसके अंदर हमने ये सारे स्टेटमेंट प्रिंट किए। अब हम क्या करेंगे, मेन मेथड के अंदर हमने इस रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आर, एंड उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हमने वैल्यूज़ पास की है। सो सबसे पहले हमने आर की वैल्यू पास की, फिर स्ट्रिंग की वैल्यू पास की, फिर M1 एंड M2 की वैल्यू पास की, ठीक है। सो 101 ABC 75 75। तो हमने जैसे ही इसको किया, हमने जैसे ही R का सॉरी रिजल्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, तो हम सीधे जाएंगे यहाँ पे रिजल्ट मतलब कंस्ट्रक्टर के पास। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएंगी। यहाँ पे पास होने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इस उसके अंदर हमने सुपर फंक्शन को कॉल किया, और ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स हैं उसको हमने सुपर फंक्शन के अंदर पास कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही हमने सुपर फंक्शन को कॉल किया तो हम सीधा यहाँ पे आ जाएंगे टेस्ट कंस्ट्रक्टर के पास, जो कि है बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्योंकि सुपर कीवर्ड से हम क्या कर सकते हैं, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे उसको कॉल कर दिया, फिर ये सारी वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी, और रोल नंबर इक्वल्स टू आर, नेम इक्वल्स टू NM, M1 इक्वल्स टू M11, M2 इक्वल्स टू M12, ठीक है। इस तरह से उन सारे वेरिएबल्स को वो वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, आर डॉट डिस्प्ले, तो डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, तो यहाँ पे आ गए। अब हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो हमने वेरिएबल्स को जो वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज की थी, यहाँ पे जो वैल्यू इनिशियलाइज की थी, ये सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं डिस्प्ले मेथड में। तो जैसे हम इसको कॉल करेंगे ये सारा हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। रोल नंबर की वैल्यू आ जाएगी 101, और नेम आ जाएगा ABC, एंड सब्जेक्ट वन के मार्क्स आ जाएंगे 75, सब्जेक्ट टू के 75, ठीक है। एंड स्पोर्ट्स की वैल्यू, मतलब उसका उन सारे का कैलकुलेशन करके, और स्पोर्ट्स के मार्क्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स के मार्क्स क्या है, 5। तो आउटपुट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, ये देखो यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, फाइनल है, फाइनल वेरिएबल, तो उसकी एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में अचीव कर सकते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरफेस। थैंक यू।